ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 389 रन का हदफ। मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करते हो, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वर्ल्ड कप के 27वें मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कराने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से डेविड वार्नर और टेरिवस हेड ने इनिंग का आगाज किया और तेज रफ्तारी के साथ रन बनाए। दोनों ओपनर्स के दरमियान 175 रन की पार्टनरशिप कायम हुई, जिसके बाद पहली विकेट 19.1 ओवर में गिरी, जब डेविड वार्नर 65 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी विकेट 23.2 ओवर में 200 रन पर गिरी, जब टेरिवस हेड 67 गेंदों पर 109 रन बनाकर आउट हुए। इन्होंने मैच में 7 छक्के और 10 चौके लगाए। दोनों ओपनर्स की जानिब से अच्छा आगाज फराहम करने और आउट होने के बाद दीगर बैटर्स तसलसल कायम न रख सके। ऑस्ट्रेलिया की तीसरी विकेट 29.4 ओवर में 228 रन पर गिरी, जबकि चौथी विकेट 36.3 ओवर में 264 रन पर गिरी। स्टीव स्मिथ 18 और मिचेल मारिश 36 रन बनाकर आउट हुए। दोनों टीमों के दरमियान ये मैच भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों टीमें अब तक इस वर्ल्ड कप में 5-5 मैचेस खेल चुकी हैं। न्यूजीलैंड ने 4 और ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस जीते हैं। पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है।